वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभाय निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्य सर्वदा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के सराबोर है मुंबई। इसी नारे से भगवान गणेश के जयकारे हर तरफ गूंज रहे हैं और हर तरफ गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। ऐसे में हम मौजूद हैं अंधेरी के राजा के दरबार में। अंधेरी के राजा इस बार जो है महाकालेश्वर के शिखर मंदिर की जो है मंदिर में विराजमान है। आप देख सकते हैं कि जो अंधेरी के राजा का दरबार है, जहाँ भक्त बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान गणेश जो है मन्नतों के देवता होते हैं। जो भी सच्चे दिल से इनसे मांगेगा उनकी मुरादें पूरी होती हैं। वहीं अगर बात की जाए तो गणेश भगवान की सवारी जो मूसक होते हैं, मंदिर मामा जो होते हैं वो भी होते हैं, और मूसक के अगर कान में आप जो कुछ मांगते हो वो सीधा गणेश भगवान को पता चलता है कि आपने क्या मांगा है। और जिस तरह से यहाँ पर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक गणेश भगवान के सामने हाथ में मोदक लिए मूसक महाराज विराजमान है और इनके कान में लोग जो है मन्नत मांगते हैं, क्योंकि इनके द्वारा डायरेक्ट भगवान गणेश भगवान को पता चलता है कि आप क्या मांग रहे हैं, क्योंकि मन्नतों के देवता भगवान गणेश हैं। ऐसे में लोग काफ़ी देर दूर से आकर लाइन लगाकर अंधेरी के राजा का दर्शन ले रहे हैं। पचास साल हुए हैं तो हम ऑलमोस्ट 40 साल से इधर आ रहे हैं। हर साल हम आते ही है, कितनी भी लाइन हो, कितनी भी बारिश हो, हर साल हम दर्शन लेने जरूर आते हैं बप्पा के। बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा लगा अंधेरी के राजा के पंडाल? एकदम A1। सर क्या कहेंगे, किस तरह से बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम हमेशा हर साल आते हैं, ये साल हमें ऐसा लगा कि शायद दोपहर का टाइम है तो जल्दी दर्शन हो जाएगा, बट 20 मिनट से रुके हैं, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जलगांव से आए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ पे इनफैक्ट, और यहाँ पे आप देखोगे तो वेटिंग भी ज़्यादा होती नहीं है, तो वो तो मेजर यहाँ का मतलब एडवांटेज है। आराम से आप दर्शन कर सकते हो, लाइक अदर पंडालों में आप देखोगे तो आपको तो पता ही होगा कैसी हाथापाई भी हो जाती है, बट यहाँ पे बहुत आराम से होता है दर्शन। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं हर साल यहाँ पे आता हूँ टाइम निकाल के। क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है पापा के दर्शन? बहुत शानदार, बहुत अच्छा। हर साल आते हम, अभी 10 मिनट और यहाँ चरण दर्शन हो जाते हैं जो दूसरे पंडालों में नहीं होता। हम चरण दर्शन हो जाते हैं जो दूसरे पंडालों में नहीं होते। लेकिन अगर बात की जाए तो अंधेरी के राजा में सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अंधेरी के राजा में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ जो है CCTV कैमरे लगाए गए हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो मेन गेट है इस पर दोनों तरफ जो है CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसका मॉनिटर जो है यहाँ के कंट्रोल रूम में किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ जो है अंधेरी के राजा के वॉलंटियर खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई जो है दिक्कत ना हो जो यहाँ पर बप्पा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको यहाँ पर सीधे ही चरण दर्शन करने को मिलते हैं, चरण छूकर आप माथा टेकने का भी यहाँ पर पूरी तरीके से मौका मिलता है भक्तों को बप्पा के आशीर्वाद लेने का। बात करें तो गणपति उत्सव लेकर को लेकर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में खास तैयारी की जाती है और हर तरफ बप्पा का दरबार सजता है। पंडालों में, लोगों के घरों में बप्पा विराजमान होते हैं, लोग बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया से सराबोर होते हैं। हर तरफ जो है बप्पा के जयकारे लगते हैं और बड़े ही आस्था से लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं। और अंधेरी राजा की अगर बात करें तो अंधेरी राजा को 54 साल हो गए हैं इस मंडल को, लगातार गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं ये लोग, और हर साल अलग अलग झांकियों में विराजमान किया जाता है। इस बार भगवान गणेश को महाकालेश्वर के शिखर मंदिर को के जो है उसमें विराजमान किया गया है, जहां पर लोग बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं बड़े जोश शोर के साथ।
अंधेरी के राजा के पास लोग आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं कि बप्पा सबकी मुरादें पूरी करते हैं, क्योंकि मन्नतों के देवता भगवान गणेश हैं और इनसे जो भी सच्चे दिल से सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है सबकी मुरादें भगवान गणेश पूरी करते हैं। और मंगल मोरिया इनका नाम है भगवान गणेश के, जिस तरह से बात की जाए तो लोग किस तरह से कान में जो है मूसक महाराज के कान में जो है अपनी मुरादें मांगते हैं और जिससे मुरादें पूरी होती हैं, क्योंकि मूसक महाराज ही गणेश भगवान के सवारी हैं और इनके कान से सीधा जो कनेक्शन होता है वह भगवान के पास होता है और जो आप यहाँ पर इनके कान में बोलते हो वो भगवान को सुनाई पड़ता है और भगवान आपकी मुरादें पूरी करते हैं। ऐसे में जिस तरह से अंधेरी के राजा की बात करें तो मुंबई में कई बड़े मंडल हैं, कई बड़े पंडाल हैं, उनमें लालबाग के राजा जीएसबी मंडल के बाद अंधेरी के राजा का अपना महत्व है और अंधेरी के राजा हर साल जो है यहाँ पर पिछले 54 सालों से विराजमान रहते हैं और लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो हम भी बप्पा से यही आशीर्वाद मांगेंगे, हम भी यही बप्पा से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान सब पर जो है अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रहें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।